चलो सर कैसे हो आप सोलो सो ये जो बलिनो देख रहे हो भाई ये है प्योर ब्लैक कलर अपना मेटेलिक ब्लैक कलर की जो है बलिनो है एंड देखने में भाई सीरियसली काफ़ी बढ़िया लग रही है बट इसमें जो है ना कुछ कुछ एसेसरीज यहाँ पे ऐड ऑन की है जैसे कि यहाँ पे एक क्रोम का पार्ट लगा है यहाँ पे लगा है ऊपर भी थोड़ा क्रोम लगा है नीचे भी तो उस वजह से हो सकता है कुछ लोगों को जो है कुछ ज़्यादा ही ये लाइक जो है क्रोम से लोडेड दिखे और कुछ को जो है अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू एंड देखते हैं भाई इस गाड़ी में क्या क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैं अनलॉक करता हूँ तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे आवाज़ करती है ठीक है। यहाँ पे प्योर अपने को एलईडी हेडलाइट्स मिलती है लाइक जो है मेन प्रोजेक्टर भी एलईडी में डीआरएल्स भी पूरी जो है एलईडी में ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। उसके बाद जो फ्रंट ग्रिल बिल्कुल सेम जैसी बलिनो में आती थी बड़ा सा लोगो यहाँ पे कैमरा आपको मिल जाएगा। नीचे जो है अपने को स्पोर्टी सा बम्पर मिल जाता है एंड नीचे फोग लैम्प जो है वो भी प्योर एलईडी में ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी क्रोम का जो है यूज़ किया गया है। ओवरऑल जो है फ्रंट बलिनो का जो है काफ़ी बढ़िया है। मेन जो है आपको पता है ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर ही जो है इसमें देखने का है। बाकी फ्रंट में जो है आपको ये 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा अपोलो का टायर है ये 195 सेक्शन का जो इसमें आपको टायर देखने को मिलेगा एंड ये देख सकते हो R16 इसका साइज है। तो ये था अपना टायर। जैसे साइड में आओगे तो यहाँ पे इंडिकेटर एंड जो है ये कैमरा अपने को मिल जाएगा ORVM में क्योंकि इसमें मिलता है अपने को 360 कैमरा। और यहाँ पे जो है ये भी एसेसरीज का पार्ट है ये सन लाइक जो है इसमें सनवाइजर्स लगे हैं। उसके बाद ये जो है ये स्टॉक आती है लाइक कंपनी फिटेड है पहले से ही ये भी स्टॉक है। ये जो है अगेन एसेसरीज का पार्ट इसमें नीचे लगा है। उसके बाद इसमें जो है ना एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ये जो फ्रंट पिलर है ये भी ब्लैक है ये जो पिलर है ये भी ब्लैक है। कहने का मतलब है कि ये जो इन्होंने पियानो ब्लैक में यहाँ पे दे दिए हैं जो अदर वेरिएंट्स है ना टॉप उनमें आती मैट में लेकिन इसमें मैट नहीं है इसमें जो पूरा ब्लैक है। तो ये था इसका साइड व्यू पूरा। पीछे जो अपने को ड्रम ब्रेक मिलते हैं पर देखने में जो ये भी भाई बढ़िया लगते हैं। अभी पीछे आप लोग देखो एलईडी टेल लाइट्स वगैरह आपको मिल जाएगी बीच में हैलोजन इंडिकेटर एंड जो है रिवर्स लाइट मिल जाएगी। नीचे जो है रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं। चार पार्किंग सेंसर एक यहाँ पे है एक बीच में एंड जो है दो उधर तो चार पार्किंग सेंसर आपको मिलेंगे एंड पीछे जो रिवर्स कैमरा भी जो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि कुछ यहाँ पे प्लेस किया गया है। रिवर पीछे जो आपको लाइक जीटा और जो है अल्फा दोनों में ही वाइपर मिलता है। डिफोगर बेस टू टॉप सब में है। ये जो अपना स्पॉइलर है यहाँ पे अपने को हाई स्टॉप माउंट लैंप मिल जाएगा। ऊपर जो एंटीना मिलता है शार्फन एंटीना नहीं है नॉर्मल एंटीना है। यहाँ बलिनो की बैजिंग वगैरह है। पीछे भी जो है ये लगाया गया क्रोम इसके अंदर एसेसरीज का पार्ट है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। तो चलो अभी इसका जो है अपन देखते हैं स्टोरेज वगैरह कैसा है। तो यहाँ पे स्टोरेज में भी जो इन्होंने मैट वगैरह डाला हुआ है तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। यदि आपका लाइक जो है ऐसा काम है कि भाई आप डेली कुछ ना कुछ उसमें डाल के ले जा रहे हो कुछ भारी चीज़ या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपका मैट ख़राब हो सकता है तो आप ये मैट ज़रूर लगवा लेना। बाकी इसमें जो है ना एक बूट लैंप भी मिल जाता है। स्पेस जो है अच्छा खासा है डीपली है मतलब काफ़ी तो उस हिसाब से जो है सही है। बाकी जो यहाँ पर पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी और जो टेल गेट है ना वो भी अच्छे खासे वेट का यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अपने को पेट्रोल लिड मिल जाएगी। अभी चलते हैं अंदर एंड देन देखते हैं अंदर इस गाड़ी में अपने को क्या मिलता है। सबसे पहले मैं पीछे जाके बैठूँगा भाई एंड पीछे देखते हैं क्या सीन है। तो डोर जो है कुछ ऐसा है ड्यूअल टोन में है। पावर विंडोज़ यहाँ पे है। ये सॉफ्ट टच मटीरियल है पूरा जो ब्लू पार्ट आप दिख रहा है वो। यहाँ पे क्रोम हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी जो है स्कफ प्लेट वगैरह यहाँ पे नहीं है। अभी मैं डायरेक्ट जो है ना बैठता हूँ गाड़ी में एंड यहाँ पे मेरे को मिलेगा भाई यहाँ दो एसी वेंट्स यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स जो है मिलेंगे। उसके बाद में जो है नीचे चार्जर आपको मिल जाएगा देख सकते हो एक यूएसबी टाइप है एक टाइप सी है तो चार्जर्स वगैरह जो है मिल जाते हैं ये भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद जो स्पेस है ना वो भी लाइक काफ़ी अच्छा जो है अपने को मिलता है। अभी सीट थोड़ी सी पीछे है। उसके बाद जो है भाई बीच में हेडरेस्ट आना स्टार्ट हो गया बलिनो में भी बट हैंडरेस्ट अभी भी नहीं है। हैंडरेस्ट आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो यार कंफर्ट वगैरह के मामले में काफ़ी बढ़िया है एंड जो हेडरूम है वो भी अच्छा खासा है मतलब बलिनो की जो हाइट है वो स्टार्टिंग से ही कम है तो उस हिसाब से जो है सही है ये भी। चलो आगे चलते हैं देन देखते हैं आगे क्या कुछ है इसके अंदर। सो इस जैसे ही मैं अंदर जाऊँ तो इससे पहले अपने को रिक्वेस्टिंग सेंसर मिलते हैं दोनों तरफ इस तरफ भी है उस तरफ भी है पीछे बूट में भी है तो आप क्या ना कीलेस एंट्री वहाँ पे एक तरह से यूज़ कर पाओगे। अब मैं जो बता रहा था ना कि पीछे सीट काफ़ी जो है पीछे है तो पूरी ही पीछे कर रखी उस हिसाब से आपको जो स्पेस है वो कम लग रहा था। अभी जो है मैं अपने हिसाब से लाइक सेट मैंने किया अभी ठीक है तो अब क्या है पीछे अच्छा खासा स्पेस बन गया। तो यहाँ पे ऑटो फोल्ड ORVMs मिलते हैं। चारों पावर विंडो आपको मिल जाएगी ठीक है। अभी गाड़ी को करते हैं ऑन। स्टार्ट स्टॉप बटन है तो यहाँ पे जो है इस ऑन कर लिया एंड मैं देखता हूँ कि इसका AC भी क्या वैसा ही जैसा अपना बलिनो में था। नहीं भाई इसका वैसा नहीं है काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है।
मेरे ब्लोअर में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से उसमें अच्छी हवा नहीं आ पाती। स्टेयरिंग स्टार्ट करते हैं। स्टेयरिंग में क्या है ना कि भाई यहाँ पे अपने को मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल, और यहाँ जो है अगेन फोन वगैरह उठाने के लिए फिर जो है कट करने के लिए तीन बटन दिए गए हैं। उसके बाद साइड में आऊँ तो यहाँ पे जो है अपने को ये ब्राइटनेस अप डाउन करने का किसके लिए, जो आगे HUD डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है ना, और HUD डिस्प्ले कब ऑन होती है, जब गाड़ी अपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है HUD का बटन है, उसकी ब्राइटनेस वगैरह, तो HUD के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे है। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल इसको आप ऑफ कर सकते हो। व्यू पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपने को 360 पूरा व्यू इसमें देखने मिल जाता है। उसके बाद नीचे जो है ऑटो ऑफ का आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे जब रेड लाइट पे गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है ना, तो वो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो, बीम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। साइड एसी वेंट्स वगैरह आप देख सकते हो। जो ब्लोअर की हवा है वो इन नए मॉडल्स में जो है भाई काफ़ी बढ़िया जो है कंपनी ने लाइक दी है। और हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाएगा, आर्म रेस्ट वगैरह भी जो है काफ़ी बढ़िया है, स्पेस वगैरह अच्छा खासा मिल जाएगा। मैनुअल गेयरबॉक्स है, ऑटोमेटिक एसी है पूरा, पीछे भी डिफोगर है, आगे भी डिफोगर है, ठीक है। ये जो है पूरा पार्ट इसका काफ़ी प्रीमियम है, लगभग 9 इंच के करीब जो इसका ये पूरा स्टीरियो है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। और इसके अंदर जो है एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी वायरलेसली। उसके बाद ये पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हो, ब्लू सिल्वर एंड जो है ये ब्लैक का पूरा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। MID में जो है इधर RPM मीटर है, बीच में MID है पूरी, इधर जो है स्पीडो मीटर है, फ्यूल मीटर है, एंड नीचे जो है टेम्परेचर मीटर। फ्यूल मीटर और टेम्परेचर मीटर जो है ना, आपको लग रहा होगा कि ये एनालॉग में क्यों है, तो भाई एनालॉग में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इतनी भी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियों में आप देखना, ये आपको मोस्टली जो है ना आपको जो है एनालॉग में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज़ें दिखाता है, ये जो है फालतू की चीज़ें नहीं दिखाता। उसके बाद इधर एक नॉब है जिससे आप ट्रिप वगैरह देख सकते, ट्रिप डिटेल्स वगैरह कुछ इस तरीके से, ठीक है। इधर जो नॉब है उससे आप जो है बाकी डिटेल्स, तो यहाँ पे जो है आपका टाइम वगैरह शो करता है, ड्राइविंग टाइम, ये जो है टोटल आइडियल स्टार्ट स्टॉप, कितना आपने जो है लाइक बचाया फ्यूल, वो चीज़, क्लॉक आ गई, ये जो है मोशन फ्रंट वगैरह, ठीक है, ये टॉर्क पावर, लाइक काफ़ी सारे मोड्स हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ब्रेक वगैरह ये सब शो करता है, एंड यहाँ पे जो है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। HUD डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है, आगे 360 कैमरा मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है IRVM आपको मिल जाएगा, दो लैंप्स यहाँ पे मिल जाते हैं, एक पीछे यहाँ पे मिल जाता है, फ्रंट फुट लाइक जो है आपको ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, ओके डन। और जो क्वालिटी है सीट की वो फैब्रिक है, तो भाई फैब्रिक के हिसाब से जो है अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिल जाती है। गाड़ी में चाबी कुछ ऐसी मिलती है नॉर्मल जैसी पहले आती थी। तो ये जो नया कलर है ब्लैक, ये जो है नया कलर ही नहीं, ये लेटेस्ट OBD2 वाला जो है मॉडल है, BS6 फेस 2 मॉडल है। इसमें पीछे हेडरेस्ट दे दिए गए हैं, सीट बेल्ट आपको टांग के रखनी पड़ेगी वरना गाड़ी टू 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 करती ही रहेगी। एक चीज और दिखाता हूँ इसके अंदर, जब हम ऑन करते हैं ना, तो यहाँ पे एज सच कोई भी जो है नई लाइट ऐड नहीं की है, बस ये जो साइड में दिख रही है ना सीट बेल्ट की, यही जो है ब्लिंक करेगी यदि आप इधर यूज नहीं करते हो सीट बेल्ट, या फिर इधर, तो वो इसमें शो करेगा ही करेगा। पीछे यदि कोई बंदे बैठे हैं या फिर नहीं भी बैठे तो भी जो है वो ब्लिंक करता रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ लाइक जो कि आपको आदत डाल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है पूरा आप इसका डाटा वगैरह चेकआउट कर सकते हो। और रिवर्स कैमरा जो है अभी आप लोग देखना, तो ये देखो भाई रिवर्स कैमरे की क्वालिटी काफी बढ़िया है। जिसने भाई बलिनो ले ली ना, उसको 360 की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो दूसरी गाड़ी चला ही नहीं पाएगा। वैनिटी मिरर दोनों साइड है विद लाइट, इस साइड भी है और जो है भाई इस लाइट साइड भी है, मतलब दोनों ही। प्राइस इसकी 11 लाख ऑन रोड, तो जो भाई लेना चाहता है तो भाई ले सकते हो। यहाँ पे USB जो है पोर्ट है, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये सब इसके अंदर आपको मिलेगा। ग्लो बॉक्स में थोड़ा सा स्पेस है, तो ये सारी चीज़ें मिसिंग थी इसलिए मैंने बता दी। बाकी ड्राइवर सीट जो है हाइट एडजस्टेबल है और जो है बैकरेस्ट एडजस्टेबल है, सब आपको जो है देखने को मिल जाएगा नई बलिनो में। नीचे से जो है आप यहाँ पे फ्यूल वगैरह का और जो है बोनेट का आपको मिल जाएगा, ये यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो यार ये थी अपनी 11 लाख वाली टॉप मॉडल बलिनो, इसमें ऑटोमेटिक भी आता है, ये जो है मैनुअल है, तो मैनुअल जो है 11 लाख के करीब जो ऑन रोड है। 11.5-10.5 में तो मैंने ही ली थी, तो भाई कोई ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ी है 1.5 साल के अंदर। तो ये था यार आज की वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।